जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर का अपना रजिस्ट्रेशन का कानून जो है उसे रिपील कर दिया गया था, और साथ ही में जो सेंट्रल का रजिस्ट्रेशन का कानून है उसे जम्मू कश्मीर में लाया गया था। उसके अलावा आप जानते हैं कि एक बड़ा बदलाव ये हुआ था कि रजिस्ट्रेशन करने की ताकतें पहले जम्मू कश्मीर में जुडिशरी के पास हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद ये ताकतें जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दे दी गई। उस समय आपको याद होगा कि स्टेट लाइन के माध्यम से भी हमने आपको दिखाया था कि लॉयर्स ने एजिटेशन लड़ी। एजिटेशन में उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते कि रजिस्ट्रेशन की ताकतें जुडिशरी से ले ली जाएं, और उसके अलावा बड़े सवाल उठाए गए रेवेन्यू ऑफिशियल्स के कामकाज के ऊपर। ये कहा गया कि वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स जिनके खिलाफ मामले एंटी करप्शन ब्यूरो में पेंडिंग है, जिनकी वजह से लैंड के कई सारे मामले जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में पेंडिंग है, आप उन्हीं के हाथों में अगर रजिस्ट्रेशन का काम दे देंगे तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आम लोगों के लिए करना जितना मुश्किल है उससे डबल मुश्किल हो जाएगा। ये सारे इल्ज़ाम जो है इस समय लॉयर्स ने रेवेन्यू ऑफिशियल्स के ऊपर लगाए। उसके बाद जो है एजिटेशन खत्म करने के लिए लॉयर्स के साथ दो वादे किए गए। पहला वादा ये किया गया कि अब रजिस्ट्रेशन का जो कामकाज होगा, रजिस्ट्रेशन का कामकाज पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के आसपास ही किया जाएगा, वो वादा भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और दूसरा वादा ये किया गया था कि उस समय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा ने स्टेट लाइन के साथ बातचीत करते हुए भी ये कहा था कि अलग से डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन का, उस डिपार्टमेंट में नई रिक्रूटमेंट की जाएगी, नए लोग लाए जाएंगे, और उस नई रिक्रूटमेंट में भी उन लोगों को रिक्रूट किया जाएगा जिनका लीगल बैकग्राउंड होगा, लॉ बैकग्राउंड होगा। मैं इस मामले पर बात आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में ये नोटिफिकेशन है, 9 मार्च 2021 की, और इसमें जम्मू कश्मीर रजिस्ट्रेशन गजटेड सर्विसेज रिक्रूटमेंट रूल्स को नोटिफाई किया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है उसमें जो मुलाजिम होंगे, उसमें जो ऑफिसर्स होंगे, उनके रिक्रूटमेंट के रूल्स को फाइनलाइज कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। और आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें लॉ बैकग्राउंड के का होना कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि चाहे इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन हो वो भी ISKS ऑफिसर होंगे, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन हो वो भी KS ऑफिसर होंगे, रजिस्ट्रार होंगे KS ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार होंगे KS ऑफिसर। उसके अलावा सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए केवल ये कहा गया है कि 100% बाय डेप्यूटेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर लीगल गजटेड सर्विसेज उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। हेडक्वार्टर असिस्टेंट के लिए 100% बाय डेप्यूटेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर रेवेन्यू गजटेड सर्विसेज उन्हें रिक्रूट किया जाएगा। और आखिर में प्रोग्राम मैनेजर IT ट्रेंड 100% बाय डेप्यूटेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गजटेड सर्विसेज। इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद और जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो मुलाजिम लगाए जाएंगे उनकी रिक्रूटमेंट रूल्स के नोटिफाई हो जाने के बाद ये तो साफ हो गया है कि IAS और KS ऑफिसर्स को ही इस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। यहाँ ये सवाल बनता है कि कैसे, क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी कि ISKS ऑफिसर्स की शॉर्टेज जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और वहीं अभी जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो भी रेवेन्यू ऑफिशियल संभाल रहे हैं। और जिस समय ये काम रेवेन्यू ऑफिशियल्स को सौंपा गया था जुडिशरी से लेने के बाद, उस समय ये कहा गया था कि ये केवल टेम्परेरी बेसिस पर किया जा रहा है। आपको याद होगा वो इंटरव्यू भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही, जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के उस समय के अध्यक्ष एडवोकेट अभिनव शर्मा ने ये कहा था कि जब डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होनी होती है रिक्रूटमेंट में समय लगता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में समय लगता है इसीलिए इस समय ये काम रेवेन्यू ऑफिशियल्स को सौंपा जा रहा है, इस समय जो रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स को दी जा रही है। बाद में जब नया डिपार्टमेंट बनेगा, डिपार्टमेंट में फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी, तो उस फ्रेश रिक्रूटमेंट में आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन इस रिक्रूटमेंट रूल्स की जिसकी नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है, इसमें साफ कर दिया जा रहा है कि नए चेहरे वो कोई भी नहीं होंगे, वही ISKS ऑफिसर्स होंगे जिनको चार्ज दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया कि ऑलरेडी शॉर्टेज जो है ISKS ऑफिसर्स की जम्मू कश्मीर में है, जिसके चलते जो सैंक्शन स्ट्रेंथ इन रिक्रूटमेंट उसमें ही बताई गई है कि जितनी सैंक्शन स्ट्रेंथ जम्मू कश्मीर में इस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की रखी गई है, एक पोस्ट है इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन की,
जो कि ISKS रैंक का जो व्यक्ति है वो फिल करेगा। उसके अलावा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन के लिए 2 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, रजिस्ट्रार के लिए 20 पोस्ट क्रिएट की गई हैं, लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रजिस्ट्रार की पोस्ट क्रिएट की गई है, सब रजिस्ट्रार की 57 पोस्ट जो है वो क्रिएट की गई है, सीनियर लॉ ऑफिसर की 1 पोस्ट क्रिएट की गई है, हेडक्वार्टर असिस्टेंट की 3 पोस्ट क्रिएट की गई हैं और प्रोग्राम मैनेजर की 1 पोस्ट क्रिएट की गई है। इसमें साफ समझ में ये आता है कि क्या एडहॉकिज्म नहीं होगा जम्मू कश्मीर में इस रजिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट बन जाने के बाद, जब एग्जिस्टिंग ISKS ऑफिसर्स को आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा रजिस्ट्रेशन का भी। मामला तो तब ठीक बैठता जो वादा लॉयर से किया गया था रजिस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए। वो वादा ये था कि अब इस रजिस्ट्रेशन के नए डिपार्टमेंट में जो है नए लोग रिक्रूट किए जाएंगे, वो लोग रिक्रूट किए जाएंगे जिनके खिलाफ कोई पेंडिंग केसेस जो है एंटी करप्शन ब्यूरो में नहीं होंगे, वो लोग रिक्रूट किए जाएंगे जिनका लॉ का बैकग्राउंड होगा, लीगल बैकग्राउंड होगा। लेकिन ये कानून आने के बाद साफ हो गया कि वो केवल वादा जो था वो हवा में ही था, वो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ISKS ऑफिसर्स को ही इस रजिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा। और वहाँ पर आप सोचें कि इस समय शॉर्टेज इतनी है कि एक IAS ऑफिसर, एक KS ऑफिसर, आप भी देखेंगे कि वो 3-3 डिपार्टमेंट संभाल रहा है, अलग अलग चार्ज उसको दिया गया है। और अभी भी जिनको रजिस्ट्रेशन का काम सौंपा गया है, जो ऑफिसर्स रजिस्ट्रेशन का काम देख रहे हैं, उनके पास भी कई सारे एडिशनल चार्जेस हैं, जिसके चलते रजिस्ट्रेशन का काम होने में बहुत देर हो रही है। लॉयर्स ने ही ये इल्ज़ाम लगाए थे कि स्लॉट बुकिंग के लिए पैसा चलता है, ये सारे इल्ज़ाम उन्होंने ऑन कैमरा आकर कहे थे। और ये भी कहा था कि क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं उनके पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, 3 दिन रजिस्ट्रेशन होती है, बाकी दिन रजिस्ट्रेशन नहीं होती, क्योंकि जो ऑफिसर है वो अपने अन्य चार्जेस संभालने में बिजी होते हैं। और वही चीज़ अब आगे भी अगर कंटिन्यू करेगी, जो कि दिख रहा है इस रिक्रूटमेंट रूल्स के थ्रू, तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्मूदन होगा जम्मू एंड कश्मीर में। आप जानते हैं कि जिस समय जुडिशरी के पास रजिस्ट्रेशन का काम था, उस समय लॉयर्स का ये कहना था कि ट्रांसपेरेंसी होती थी, एक व्यक्ति जाता था अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेता था उसी टाइम। अब एक तो प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑनलाइन में भी उनका ये कहना है, लॉयर्स का ये कहना है कि बहुत समय लगता है रजिस्ट्रेशन होने में, स्लॉट्स जो हैं ऑलरेडी बुक कर लिए जाते हैं, उसके बाद स्लॉट बुकिंग के लिए पैसा लगता है, ये सारे इल्ज़ाम उन्होंने लगाए। और उसके बाद भी ये कहा कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही हैसल भरा है आम व्यक्ति के लिए, एक आम आदमी के लिए। वहीं दूसरी ओर आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन का काम है एक फ़र्द कटवाना, एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है जम्मू कश्मीर में। जब आप रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जाते हैं, आपको फ़र्द कटवाना है, आपको अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, वो कितना मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए। ऐसे में अगर उन्हीं रेवेन्यू ऑफिसर्स को अगर ये काम रजिस्ट्रेशन का आप सौंप दिया जाएगा, तो ये सवाल लॉयर्स पूछ रहे हैं, फिर हमसे जो वादा किया गया था वो वादा क्यों किया गया था। अब जो है साफ तौर पर यही कि नई सैंक्शन जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दी गई है इस रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए, और ये कह दिया गया है कि IAS रैंक के ऑफिसर्स, KS रैंक के ऑफिसर्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन का काम जम्मू कश्मीर में संभालेंगे। अभी तक कन्फ्यूजन बनी हुई थी कि इस नए डिपार्टमेंट में शायद नई रिक्रूटमेंट होगी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद कन्फ्यूजन सारी दूर हो चुकी है। और लॉयर्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमसे वादा किया गया था तो वादा क्यों किया गया था।